कल जिस तरीके से ऐतिहासिक पटाक्षेप जैसा, मतलब सेमीफाइनल पटाक्षेप का हुआ, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका एक प्रकार से फाइनल एडुकेटर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रूप में आगे आई और उत्तराखंड की जनभावना यथोचित सम्मान पा पाई। इसके लिए फ्रॉम हाईकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट मैं न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और इससे देश के लोगों का विश्वास संवैधानिक व्यवस्था में, न्यायपालिका में और बढ़ा है। मैं अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि उन्होंने एक मैग्निविटी दिखाई और कोर्ट को ये कहा कि हम राष्ट्रपति शासन उद्धव करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसके साथ जितने और सैड चैप्टर हैं, दुखद पृष्ठ हैं, जो सवाल हैं, उन सब का समाधान भी केंद्र सरकार निकालेगी। और मैंने कल भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, और ये बात मैंने जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया था तब भी कहा था कि हम एक छोटे राज्य हैं मगर हमारी आकांक्षा बड़ी है। हम भले ही 1.25 करोड़ की आबादी हैं, मगर हमारे लोगों की क्षमता बहुत बड़ी है। हम दोनों के बीच में राज्य की क्षमता वृद्धि से आकांक्षा और अपेक्षा के बीच में जो गैप है उसको भरना चाहते हैं, और उसके लिए हर पीरियड महत्वपूर्ण है, हर समय महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको केंद्र के सतत सहयोग की आवश्यकता है।